हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू रन में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें मानसून में हमारी गाड़ी की केयर किस प्रकार लेनी है और हमारी गाड़ी मानसून में मेंटेन कैसे रखनी है। दोस्तों, रेन में ड्राइविंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और रेन में भी अगर आपको आपकी गाड़ी से रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए तो आपको आपकी गाड़ी की केयर रखना ज़रूरी है। अगर आप आपकी गाड़ी की केयर रखोगे तो वो भी आपकी केयर रखेगी। तो चलो देखते हैं कि मानसून में हमें हमारी गाड़ी की केयर कैसे लेनी है। सबसे पहले आते हैं विंडशील्ड वाइपर और वाटर स्प्रे। रेन में ड्राइविंग करते वक्त हमेशा विंडशील्ड क्लियर होना ज़रूरी है। अगर विंडशील्ड क्लियर नहीं होगी तो आप ठीक से देख नहीं पाओगे, और अगर आप ठीक से देख नहीं पाओगे तो आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत महसूस होगी। इसलिए रेन में ड्राइविंग करते वक्त विंडशील्ड का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विंडशील्ड के साथ साथ विंडशील्ड को बारिश से साफ करने का काम करता है हमारा वाइपर, तो हमें रेन से पहले हमारा वाइपर्स भी चेक कर लेना ज़रूरी है। उसकी मोटर ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं, उसके ब्लेड्स चेक कर लेने हैं, कहीं उस पर कहाँ पर कट वगैरह तो नहीं है, रैशेज वगैरह तो नहीं है। अगर उस पर कट और रैशेज रहेंगे तो बारिश में आपको दिक्कत होगी विंडशील्ड साफ करने में, उससे वाटर मार्क रह जाएंगे और उस वाटर मार्क से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। इसलिए रेन में वाइपर्स भी चेक करना ज़रूरी है, और वाटर स्प्रे भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जब हम रेन में ड्राइविंग करते हैं तब पेड़ों से पत्तियां गिरते हैं या फिर रोड से गंदा पानी विंडशील्ड के ऊपर आ जाता है, तब हमें वाटर स्प्रे की ज़रूरत होती है। इसलिए मानसून से पहले हमें हमारी वाटर स्प्रे की मोटर या फिर उसके जो होल्स रहते हैं वो चेक कर लेने हैं, जिससे आपको आगे जाकर रेन में ड्राइविंग करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ है कि कार्स के टायर्स। टायर हमारी गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सही से ब्रेकिंग, ग्रिपिंग और सही से बैलेंस के लिए हमारे टायर्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं। इसलिए रेन से पहले हमें हमारी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग चेक कर लेना है। अगर आपके गाड़ी के टायर्स की ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई हो, तो आपको रेन से पहले वो चेंज कर लेने हैं, क्योंकि रेन टाइम में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और रोड से भी बहुत फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है, इसलिए ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। इसलिए चारों टायर्स में एयर प्रेशर का समान होना और व्हील बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए मानसून से पहले अपने टायर्स चेक कर ले, व्हील बैलेंसिंग कर ले, जिससे कि आपको बारिश में गाड़ी चलाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी गाड़ी बैलेंस नहीं खोएगी और ब्रेकिंग भी आपकी गाड़ी की ठीक ठाक हो जाएगी। मानसून में हमें ड्राइविंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ जाती है, और जितना हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं उतना ब्रेक ऑयल रिड्यूस होता चला जाता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम पर हमारा ब्रेक ऑयल जो रहता है वो हमें चेक करते रहना है, उसकी लेवल मैक्सिमम तक ही रहनी चाहिए, जिससे कि आपको अगर आप कहीं लॉन्ग जर्नी पर चले जाए तो आपको दिक्कत ना हो। और बारिश में ड्राइविंग करते वक्त अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रेकिंग वाली है तो आपको धीरे धीरे पंप कर ब्रेक लगाना है, क्योंकि अगर आप जोर से ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी स्कीड हो सकती है। और अगर आपकी गाड़ी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली है तो आप नॉर्मल ब्रेकिंग जैसे भी ब्रेक्स लगा सकते हो। रेन में हमारे घरों के साथ साथ हमारी गाड़ी में भी लीकेजेस होते हैं। लीकेज का ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो पुरानी गाड़ियों को रहता है। अगर आपकी गाड़ी 5-6 साल पुरानी हो गई है तो उसमें कहीं से ना कहीं से तो लीकेज हो जाने लगते हैं। डोर के रबर फटने से या फिर जो हमारे विंडशील्ड पर जो होल्स रहते हैं पानी नीचे गिरने के लिए, वहाँ पर अगर कुछ अटक जाए तो वो पानी बाहर जाने के बजाय गाड़ी के अंदर चला आ जाता है। आजकल के हमारे गाड़ियों में जो रहता है वो कारपेट होता है। अगर किसी कारण से आपके गाड़ी के अंदर पानी आ रहा है तो आप जल्दी से पोंछ लीजिए, क्योंकि अब हमारी गाड़ियों में कारपेट रहता है और कारपेट गीला ही रह जाने की वजह से हमारी गाड़ी में गंदी स्मेल आ जाने लगती है, क्योंकि हमारी गाड़ी पैक रहती है और जो गीला कारपेट रहता है वो हमारी गाड़ी के फ्लोर को भी ख़राब करने लग जाता है। इसीलिए मानसून से पहले लीकेजेस भी चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम रेन में ड्राइविंग करते हैं तब हमारे गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग हो जाने की वजह से हमारे विंडशील्ड पर और बाकी शीशों पर फॉग आ जाने चालू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें ड्राइविंग करने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए हमें हमारे एसी का डीफॉगर ऑन कर देना है, जिससे कि हमारी विंडशील्ड जो है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगी। इन सब के साथ साथ हमें हमारी बैटरी और उससे जुड़े हुए वायर्स को भी चेक कर लेना है, कहीं उसके जॉइंट्स पर कार्बन तो नहीं पकड़ लिया है, क्योंकि कार्बन की वजह से बैटरी सप्लाई होने में दिक्कत महसूस होती है। अगर कार्बन पकड़ लिया है तो वो साफ कर कर हमें उसमें बैटरी ग्रीस लगा देना है, जिससे कि आपकी गाड़ी को कहीं पर बीच में दिक्कत ना हो जाए।
रेनी सीजन में हमें हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स और सारे सिग्नल्स को भी चेक कर लेना है। बहुत ज्यादा बारिश में ड्राइविंग करते हम बाकी गाड़ियों को हेडलाइट और सिग्नल से जज करते हैं, क्योंकि बारिश में विजिबिलिटी की कमी होती है, इसलिए हमें लाइट से जल्दी पता चल जाता है कि सामने वाला राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या फिर हमारे पीछे कोई गाड़ी है या फिर नहीं है। इसलिए मानसून से पहले इन सब चीजों को चेक कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सब चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है सेफर ड्राइविंग के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आते रहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो हमारे ही सेफ्टी के लिए होते हैं। और ड्राइविंग करते वक्त हमेशा अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।